गुड मॉर्निंग एवरीबडी. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर 7, नेवर बोस्ट योरसेल्फ. बोस्ट का मीनिंग क्या होता है? डीन हारना, बड़ी बड़ी बातें करना. ओके, लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर. इन अ टाउन देयर लिव्ड अ गॉड फियरिंग मैन. ना एक रिमोट आइलैंड में के एक गाँव में एक गॉड फियरिंग व्यक्ति रहता था. हुज वाइफ कुड नॉट हैव चिल्ड्रन, जिसकी वाइफ के कोई भी बच्चा नहीं था. वन डे ही बिकेम प्रेगनेंट एंड हर हस्बैंड वाज वेरी हैप्पी. और उनका जो हस्बैंड था वो बहुत खुश हुआ. ही सैड, उसने क्या कहा कि यू फॉर हर वाइफ that her wife would give birth to a son, and he was very happy to hear it. He will educate him, वो उसे पढ़ाएगा लिखाएगा, and bring him up well. और वो कहते पढ़ लिख कर वो जो बच्चा है वो अच्छा बनेगा, and increase my renown. और वो क्या करेगा, जो मेरा नाम है, जो मेरी ख्याति है, उसको बढ़. In other words, he became very happy to hear the news of his pregnancy, and he said, और वो कहता है कि when his wife gave birth to a son, he would educate him, and his son increase बढ़ाएगा उनकी जो ख्याति है उसको वो और ज़्यादा बढ़ाएगा. Thus spoke the happy potential father. और इस तरीके से वो बहुत ही हैप्पी पोटेंशियल फादर की तरह बोलते हैं. बट एट दैट टाइम हिज वाइफ रिप्लाइड, लेकिन उसी समय जो उसकी वाइफ है वो कहती है, डोंट स्पीक लाइक अ फुलिश पर्सन, एक मूर्ख व्यक्ति की तरह बातें मत करो. हाउ डू यू नो वॉट इज गोइंग इन फ्यूचर, आपको कैसे पता कि भविष्य में जो है वो क्या होने जा रहा है ना. नो बडी नो अबाउट द फ्यूचर, कोई भी व्यक्ति फ्यूचर को नहीं जानता है ना. एट दैट टाइम शी शेड, वो कहती है, हाउ डू यू नो, कि आपको कैसे पता द चाइल्ड इज गोइंग टू लिव लॉन्ग एंड द बेबी विल बी अ सन, इट मे बी दैट इट बी अ गर्ल आल्सो. कि वो एक, आपको कैसे पता है कि वो जो है एक बेटा ही होगा. इट मे बी ऐसा भी हो सकता है कि जो बेबी है जिसको वो बर्थ देने जा रही है वो एक गर्ल हो, है ना. तो वो क्या कहती है, जो उनकी वाइफ है वो कहती है, यू शुड नॉट हैव स्पोकन सच आइडल वर्ड्स, कि इस तरीके के वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, है ना. वट लेफ्ट एवरीथिंग टू गॉड, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए. हु कंट्रोल्स अवर डेस्टिनी, अवर फॉर्चून्स, मिस फॉर्चून, जो सब कुछ कंट्रोल करता है उसको छोड़ लेना चाहिए. अदरवाइज इट मे बी फॉल यू एज इट वंस बी फॉल ए सर्टेन डर्विस, नहीं तो ऐसा हो सकता है जैसा कि उस डर्विस के साथ हुआ था. एट दैट टाइम हर हस्बैंड आस्क्ड, और फिर जो उसके हस्बैंड है वो पूछता है कि व्हाट हैपेंड टू दैट डर्विस, कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था उस डर्विस के साथ, है ना. तो एट दैट टाइम शी टोल्ड हिम अ टेल, वो उसको एक कहानी सुनाती है, एक स्टोरी सुनाती है ना. लुक इट, देयर वाज वंस अ डर्विश इन द सर्विस ऑफ अ किंग, एक राजा के सेवा में एक जो डर्विश था वो रहता था. द किंग यूज टू गिव हिम अ पीस ऑफ केक, और जो किंग थे वो हमेशा उसे क्या दिया करते थे, अ केक, अ पीस ऑफ केक एंड अ बाउल ऑफ हनी. वो उसको खुश होकर के हमेशा एक केक का पीस और एक बाउल हनी डेली उसको दिया करते थे. द डर्विश यूज टू ईट द केक एंड पुट द हनी इन टू अ जार, एंड दैट डर्विश, वो जो डर्विश था वो क्या करता था, जो केक का पीस था ही एट दैन डेली, वो डेली उसको खा लेता था, एंड जो हनी था, जो शहद उसको मिलता था, उसे एक जार में रख लेता था, है ना. इट कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक ये चलता रहा, है ना. हनी हाउएवर इन दोज डेज वाज वेरी एक्सपेंसिव, और वो ऐसा क्यों करता था, बिकॉज द हनी वाज वेरी कॉस्टली एट दैट टाइम, उस समय जो हनी की कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा थी. दैट वन डे व्हाट हैपेंड, एक दिन क्या हुआ कि उस जो डर्विस था उसने नोटिस किया कि जो जार है हनी का, इट वॉज नियरली फुल, वो लगभग हनी से पूरा भर चुका था. देन ही थॉट
कि अब उसने क्या सोचा कि ये हनी को ले जा करके मैं मार्केट में बहुत अच्छे दामों पर बेचूंगा और उससे बहुत सारा हमें जो पैसा मिलेगा उसको वो कैसे ख़त्म करेगा। ही वॉज गोइंग इन अ डे और डे ड्रीम, वो एक तरीके से सपने में चला गया और वो सोचने लगा वहाँ बट कि आगे आगे जो है उसके साथ क्या होगा, व्हाट हैपन, क्या होगा। देखिए, आई एम गोइंग टू सेल माई हनी फॉर अ पीस ऑफ गोल्ड, कि वो इस हनी को ले जा करके जब बेचेगा तो उसे गोल्ड मिलेगा एंड ही वाइट एंड शेप, और उस गोल्ड से वो 10 भेड़े खरीदेगा, शेप मीन्स भेड़, ऑल ऑफ बेस आर गोइंग टू गिव बर्थ, और उनमें से जितनी भी भेड़े हैं वो क्या करेंगी, बेबीज को जन्म देंगी लैम को, एंड सो दैट इन द कोर्स ऑफ 1 ईयर, और एक साल में उसके पास 20 भेड़े होंगी, 20 शेप होंगी, एंड आफ्टर इट फॉर श्योर देयर नंबर विल स्टेबली इंक्रीज, और वो कहता है कि इसी तरीके से धीरे धीरे द नंबर ऑफ शीप्स पर विल बी इंक्रीजिंग, जो नंबर ऑफ शीप है वो बढ़ती जाएंगी, एंड इन 4 ईयर्स, एंड आफ्टर 4 ईयर्स ही विल बी द ओनर ऑफ 400 शीप, है ना। वो क्या सोचता है कि 4 साल में वो लगभग 400 शीप जो है उनका मालिक बन जाएगा, देन ही विल बी बाई अ काउ, फिर वो एक गाय खरीदेगा एंड एन ऑक्स, और एक ऑक्स भेड़ एक जो है बैल खरीदेगा, विच हेल्प हिम इन प्लोइंग हिज फील्ड हिज लैंड, जो उसकी मदद करेंगी जमीन को प्लोइंग करने में, जुताई करने में, है ना। बाई द काउ विल प्रोवाइड मी द मिल्क, और जो काउ है वो क्या करेगी, उसको दूध देगी, और इन दिस वे आफ्टर 5 ईयर्स ही है द नंबर ऑफ कैटल्स, उसके पास बहुत सारे कैटल्स होंगे, एंड ही विल बी द प्रोसेसर ऑफ ग्रेट वेल्थ, और वो बहुत सारे धन का जो है प्रोसेसर बन जाएगा, एंड आफ्टर इट ही बिल्ड अ मैग्निफिशेंट हाउस, वो एक बहुत अच्छा सा घर खरीदेगा, ही हैड मैनी स्लेव्स एंड मेड सर्वेंट्स एंड ही विल मैरी विद अ ब्यूटीफुल वूमेन, और वो एक बहुत ब्यूटीफुल वूमेन से जो है मैरिज करेगा, शी विल बी अ मी अ सीन, और आफ्टर इट ही मैगा, बहुत लंबी लंबी वो बातें सोचने लगता है कि इतना कुछ हो जाएगा, वो मैरिज करेगा, आफ्टर इट उसके एक सन होगा, उसके एक बेटा होगा, वो वाज वेरी ब्यूटीफुल, है ना, एंड लाइक अ लकी स्टार, बिल्कुल एक लकी स्टार की तरह उसका एक बेटा होगा जो उसका नाम रोशन करेगा आफ्टर हिज डेथ, वेन एवर ही आउ रिफ्यूज टू अबे, और फिर वो सोचने लगता है कि इफ़ हिज बॉय रिफ्यूज टू अबे, अगर उसका जो बेटा है उसकी बात मानने से मना करेगा, देन ही वुड टेक अ स्टिक, वो एक स्टिक उठाएगा एंड स्टार्ट इट टू बीट हिम, और उसको मारना शुरू कर देगा, बिच हिट द जार, और जो है जब वो ये सारी बातें सोच रहा था, कभी कभी क्या होता है कि हम जो चीज़ सोचते हैं, हम किसी को सपने में चिल्ला रहे हों या हम कहीं ख्याल में सोच में चिल्ला रहे हैं तो हमारे मुंह से अचानक से आवाज़ निकल जाती है, इन द सेम वे वो ये सपने में सोच रहा था कि अगर एक उसका जो बेटा है उसकी बात नहीं मानेगा, देन ही वुड टेक अ स्टिंग एंड स्टार्ट टू बीट हिम, और वो क्या करता है, वास्तव में एक छड़ी उठाता है एंड हिट द जार, और वो जार पर मारता है एंड द जार ब्रोक, और जो जार है वो टूट जाता है, एंड द जार ऑफ हनी अलॉन्ग विद हिज डे ड्रीम वाज लॉस्ट, और जो हनी का जार है उसके टूटने के साथ ही उसका जो डे ड्रीम था, जो वो सपना देख रहा था वो भी टूट गया, है ना, जो वो डे ड्रीम जो देख रहा था उस हनी के जार के टूटने के साथ उसका जो सपना था वो भी टूट गया जार के हनी के जार के साथ, और इस प्रकार से वो बताती है आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी, है ना, इसमें लिखा हुआ है चैप्टर में कि जो उसकी वाइफ है वो आगे उस व्यक्ति से कहती है जो बहुत रिलीजियस है कि आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी, मैंने आपको सिर्फ ये कहानी इसलिए सुनाई जिससे कि आपको एक सबक मिले, एंड यू विल नॉट स्पीक, और आगे से आप इस तरीके से नहीं बोलेंगे, है ना, देट आर अनसर्टेन, जो कि अनसर्टेन है, नो बडी नो वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, कोई भी नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा, रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ किंग सोलोमन, एंड एट लास्ट ही सेड हू केयर, एंड एट लास्ट हिज वाइफ टोल्ड हिम, और आदमी उसकी वाइफ से बताती है कि ऑलवेज रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ किंग सोलोमन, किंग सोलोमन एक सोलोमन नाम के एक राजा थे जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे अपने जस्टिस के लिए, उन्होंने कहा था डोंट बोस्ट योर सेल्फ, कभी भी बहुत बड़ी बड़ी बातें अपने लिए नहीं करनी चाहिए, फॉर यू डू नॉट नो वॉट विल हैपन टू यू नेक्स्ट, क्योंकि आप नहीं जानते भविष्य में क्या होने वाला है ना।
तो इस तरीके से दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। वो एक कहानी के द्वारा अपने हस्बैंड को बताती है कि हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें आगे के लिए नहीं करनी चाहिए। एंड आफ्टर इट वी विल लुक द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। ग्लैड टाइडिंग गुड न्यूज़ रिनाउन फेम पोटेंशियल फादर टू बी फादर रोबस्ट मीन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बी फॉल टू हैपन टू समबडी डिसेंट फैमिली ओरिजिन पायस वेरी रिलीजियस। थैंक यू।